आज NSUI द्वारा स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच के प्राचार्य वीके जैन को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने BA प्रथम वर्ष के घोषित परीक्षा परिणाम में गंभीर त्रुटि, लापरवाही और अनियमितता के आरोप लगाते हुए इसमें सुधार की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा BA प्रथम वर्ष का जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, इसमें कई विद्यार्थियों को शून्य अंक प्रदान किए गए हैं तथा कई विद्यार्थियों को 1, 2, 3 और 4 अंक प्रदान किए गए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है और इसमें कॉलेज प्रशासन की पूर्ण लापरवाही देखने को मिलती है। ज्ञापन में कहा गया है कि इसकी जांच कर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए और वास्तविक परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए। साथ ही छात्रों का यह भी कहना है कि कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, छात्र हितों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के बारे में भी कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों को सही जानकारी नहीं दी गई है। देखिए, अभी 2 दिन पहले जो रिज़ल्ट BA प्रथम वर्ष का घोषित किया गया, उसमें कई विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। बार बार इसे सॉफ्टवेयर अपडेट या सॉफ्टवेयर की खराबी बताकर छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। रिजल्टों में साफ साफ लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री या फेल, तो और 00 नंबर दिए गए। क्या कॉपियों की जाँच नहीं की गई? यदि कॉपियों की जाँच की जाती है तो उनमें व्यवस्थित तरीके से नंबर लिखा जाता है। इस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है कि विद्यार्थियों को नुकसान ना हो, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जिसके तहत विद्यार्थी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के अंदर विद्यार्थियों को नए नए सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए हैं, उन सब्जेक्टों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी जा रही है और वे हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। विद्यालय में हम देखेंगे कि किस तरह से बच्चे इधर से उधर घूमते हैं, एक से दूसरे कार्यालय, दूसरे तीसरे विभाग में जाते हैं, उनका काम भी नहीं हो पाता है, भटकते हैं, सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसमें भी कहीं ना कहीं महाविद्यालय की जो है लापरवाही नज़र आती है। अभी लापरवाही सबसे बड़ी उच्च शिक्षा विभाग से है कि कैसे इन इतने सारे विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया, और उनकी मांग को लेकर जो भी है हमने आज NSUI के थ्रू ज्ञापन दिया है। आपने अभी कहा कि नहीं विद्यालय में नहीं आ रहे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। विद्यालय इतना बड़ा है, नियमित तौर से विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि शिक्षकों द्वारा उच्च शिक्षा विभाग ने जो नई नीति लागू करी है उसको लेकर कई सेमिनार किए गए, लेकिन बच्चों को उस तरीके से समझाया नहीं गया। बच्चों को व्यवस्थित तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे समझ पाएंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है। नई शिक्षा नीति के थ्रू जो नए सब्जेक्ट आए हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए। हवा में जानकारी से काम नहीं होता है, हवा में जानकारी से बच्चे गुमराह होते हैं, सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। यही है, आप खुद देखेंगे कि कितने बच्चे कई सब्जेक्टों को समझ नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। किसानों के बेटे होते हैं जो इतने 100-150 किलोमीटर से चल के पैदल आते हैं, कोई गाड़ी पाता है 100-150 रुपये किराया लगा के आते हैं, लेकिन उनको फेल कर दिया जाता है। उनके पुराने रिजल्ट में उनके 10th में 12th में उनके 70-80% रहते हैं और उनको BA प्रथम वर्ष में 0 नंबर दे दिए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ़ हमने प्रदर्शन किया है, NSUI ने ज्ञापन दिया है कुलपति के नाम, और जल्द से जल्द इसका निराकरण नहीं हुआ तो NSUI प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी। छात्रों के अध्ययन की भी समीक्षा की कि आपने महाविद्यालय को किस तरह से दोषी ठहरा सकते हैं? देखिए, महाविद्यालय के स्टाफ की गलती है, क्या उन्होंने आकलन सही तरीके से नहीं किया, क्या मानते हैं? हाँ, इसमें महाविद्यालय प्राचार्य मतलब की भी प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि इन्होंने CC टेस्ट में कम नंबर दिए हैं बच्चों को। अगर ये CC टेस्ट में उचित नंबर देते और सही आकलन करके नंबर देते तो ये बच्चे फेल होने की नौबत नहीं आती और इनका भविष्य बर्बाद नहीं होता। तो इसमें सरासर कॉलेज प्रशासन की गलती है और कॉलेज प्रशासन अनियमितताओं का पूरा बोलबाला है। यहाँ पर हर काम कोई समय से पूर्ण नहीं होता है, बच्चे इधर से उधर भटकते रहते हैं और दूसरे लोग मनमानी करते रहते हैं, आवारा तत्व घूमते रहते हैं यहाँ पर, और ये कॉलेज सबसे ज़्यादा पूरे ज़िले में प्रचलित है ऐसे मामलों में, तो इस विषय में भी हमने ज्ञापन दिया है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।